Hey guys, welcome back to my channel Alisha Rajput, सीधा रायपुर से वृंदावन की ओर। तो ये है मेरा बर्थडे ब्लॉग। मैं जा रही हूँ बांके बिहारी के दर्शन करने। आज मेरा बर्थडे है तो बंदर है तो मेरा फोन जो है वो छीन सकते हैं, तो मैं चुपके चुपके ऐसा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मंदिर पहुँचते ही हमने दर्शन किए बिहारी जी के, और उसके बाद महामंदिर के अंदर जाकर पूजा हुई। मेरे बर्थडे की पूजा हुई। तो कथा होने के बाद हमने की बिहारी जी के बिस्तर की सेवा, जिसमें हमने बिस्तर लगाया और उसके बाद उसकी की परिक्रमा। सभी लोगों ने एक एक करके परिक्रमा की। 7 बार परिक्रमा करना होता है और इसमें बहुत ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि जो बिस्तर हमने लगाया था उसी बिस्तर पे, इसी बिछौने पर बिहारी जी विश्राम करने वाले थे दोपहर पे। तो बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा था ये सब करके। उसके बाद हमने केक किया। Happy birthday dear Alisha, happy birthday to you. कर लो, आप लोग काट लो, पंडित जी को दो ना, मैं ले लूंगा बाद में। अरे महाराज जी, अरे मैं ले लूंगा, ले लूंगा। राधे राधे। सो गाइस, आज जो बर्थडे मना है मेरा वृंदावन में, मैं बता भी नहीं सकती आपको मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। बांके बिहारी जी के मंदिर की थोड़ी सेवा कर ली हमने, वहाँ पे साफ सफाई कर ली, इत्र सेवा कर ली। मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे था, मुझे मिला है। देखो, स्वामी जी ने दिया है, लवी शुभ स्वामी जी ने। ये बांके बिहारी जी ने पहना हुआ था वो मिला है मुझे, और उसके बाद उनका मोर पंख मिला है मुझे, ये उन्होंने पहनी हुई थी, ये मिला है मुझे। मेरे ख्याल से मैं बता नहीं पा रही मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, बस यही बोलूँगी। लवीश गोस्वामी जी, आप हमेशा ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए, और बांके बिहारी जी, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। तो आप सब मेरे साथ बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। और मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, बहुत से लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग पूछते भी हैं कि स्वामी जी दर्शन करवाते हैं आप लोगों को, इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं या फिर अच्छे से दर्शन जो करवा देते हैं आपको, इतने सेवा करने मिलती है उसके लिए पैसे लेते हैं। तो एक भी पैसा आज तक उन्होंने हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं लिया है। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, अगर हम उनको देते भी हैं तो मना कर देते हैं। हम बाहर से फूल भी लेके आते हैं तो वो बोलते हैं कि मत लेकर आओ, कुछ भी मत करो, बस बांके बिहारी जी के दर्शन करो और आनंद लो, उनकी सेवा करो बस। यहाँ पर विश और आतिश की छोटी सी लड़ाई हो रही है। छोटी सी लड़ाई क्या, बस मस्ती हो रही है यहाँ पर, तो आप भी इस मस्ती पे ज्वाइन कीजिए। सो गाइस, अथर्व का जो चश्मा है वो बंदर लेके भाग गया, वो देखो। अब बंदर चश्मा मिल गया। लो, इसका डंडी निकाल दिया है। चलो, चश्मा मिल गया वापस, और ये रहा अंदर भी थोड़ी। अतर पे चश्मा मिल गया वापस। कभी ऐसा हुआ कि बंदर को बेवकूफ बना दिया खाली बूटी के? अरे देख के, वो देखे चेक करके दिया हो। अब अपने चश्मे इधर आइए, इधर ब्लॉग में। अब अपने चश्मे को अपने पॉकेट में रखे, इसलिए फिर भी मैंने और ही एक्स्ट्रा चश्मा ले लिया था। अच्छा, दो दो चश्मा लेके आए क्या? क्या बात है यार। चलो, सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, दर्शन करेंगे, और कुछ लोग तो सिर्फ शूट करने जा रहे हैं।
तो अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर और मैं आप सबको भी प्रेम मंदिर दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत है और सबसे ज्यादा खूबसूरत इसलिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो यहाँ से होती है प्रेम मंदिर में एंट्री, यहाँ पर आप कैमरा वगैरह नहीं लेके जा सकते क्योंकि प्रॉपर चेकिंग होती है और अंदर घुसने के बाद इतना प्यारा नजारा है कि आपको मन करेगा कि बस मैं यहीं बैठ जाऊँ शाम से सुबह, सुबह से शाम, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हम प्रेम मंदिर के सारी चीज़ें देखकर दर्शन कर जा ही रहे थे कि हो गई लड़ाई और लड़ाई में पुलिस वालों से काफ़ी मुठभेड़ हो गई, बहुत बहुत ही मुश्किल से हम इन सारी चीज़ों से निकले। फोन दे दो, लाइट कर, लाइट कर, लाइट चालू कर, फोन दे दो मेरा, आप मेरा फोन दे दो, आपसे कुछ नहीं, हमको आप मेरा फोन दे दो। लगता है आज का दिन कभी खुशी कभी गम वाला था। इतने सारी पुलिस के झगड़े के बाद हम पहुंचे प्रेम मंदिर और प्रेम मंदिर में मैं मिली बी प्राग से, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी भी क्लिक कराई और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू द अर्थ थे वो। सो गाइज, हम स्कॉन आए, बहुत सारा डांस किया और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ एक और चीज़ हो गई कि बी प्राग मिल गए थे और उनके साथ मैंने फोटो भी क्लिक करा ली। तो ऑल इन ऑल मेरा बर्थडे तो भाई बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं, अतर्व और रॉबिन हम लोग जाएंगे बाकी बिहारी जी की आरती में, तो वो भी आप लोग देखिएगा इस व्लॉग में। तो हमने प्लान किया था कि हम आतिश को डराएंगे और विश यहाँ पर चुपके चुपके जा रही है उसको डराने के लिए पूरे बाल आगे करके, क्योंकि आतिश बहुत ज़्यादा डरता है, तो देखते हैं कि वो डरता है कि नहीं और उसके रिएक्शंस आप लोग खुद देखो क्या होता है। अरे उठा भाई, अरे हम भी तो नाटक कर रहे हैं ना, पता है मेरे को चांद का थप्पड़ ना मारता नहीं मारता, और बात में रहना, उसको बिल्कुल ऐसा मुंह मत सोचो, मैं तो सोचो आदमी इसलिए ब्लॉग ही पता नहीं कैसे लगा मेरे बराबर। हां प्रॉपर गाइस, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है, आप हमारे बर्थडे पे पधारे और हमारा बर्थडे इतना सौभाग्यशाली बना। थैंक यू, चलो हैप्पी बर्थडे, चलो हैप्पी बर्थडे, चलो हम भी दुखी है, थक जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी, अगर आपको कहीं पे भी कचरे की गाड़ी मिले तो मेरे को बता देना, मैं आपको थोड़ा सा मेरे पास कचरा पड़ा हुआ था डाल दूंगा और सोते हो जाऊंगा, परेशान कर दे ट्रिप, दे ट्रिप, आज ट्रिप बनाते हैं।